हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमिला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसानी से बनने वाली ये मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। आम का सीज़न हो और मैंगो कस्टर्ड ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 750 ml काउ मिल्क। आप कोई भी दूध जो आपके घर में आता है वो आप ले सकते हैं, चाहे वो पैकेट वाला हो या फिर फुल फैट मिल्क हो। एक आम मैंने लिया है और उसके इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे ली है चीनी। चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर का है। और अब हम इसमें मिलाएंगे 3 से 4 चम्मच ठंडा दूध। दूध आप कभी भी कस्टर्ड पाउडर में गर्म ना मिलाएं, इसमें गुठलियाँ बनने लगती हैं, तो हमेशा आप ठंडा दूध ही मिलाएं। और अब हम इसका एक घोल बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पे आम लिए हैं, इनकी हम एक प्योरी तैयार कर लेंगे। तो आम की प्योरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार, उसमें हम आम को डालेंगे और इसकी एक प्योरी तैयार कर लेंगे। इसमें हम कुछ भी पानी या दूध नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब हम दूध को बॉयल करेंगे, तो उसके लिए गैस पे रखेंगे एक भारी तले का बर्तन और उसमें दूध को बॉयल करने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम मैंने अभी हाई रखी है और हाई फ्लेम पे हम दूध को बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से बॉयल कर लेंगे। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है तो दूध चिपकने का डर रहता है बर्तन के तले पे, तो आप बीच बीच में इस दूध को चलाते रहें और साइड से जो ये मलाई लग रही है इसमें, ये भी आप निकालते रहें और इसे दूध में मिलाते रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से कम चीनी ली है। आप चेक कर लीजिए कि आम कितना मीठा है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं, या फिर आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी डालिए। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब हम इसमें डालेंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाकर रखा हुआ था, और इसे हम दूध के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड, इस वक्त पे गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर बहुत जल्दी बर्तन से चिपकता है और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। फ्रेंड्स, कस्टर्ड डालने के बाद हमें इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि अच्छे से गाढ़ा नहीं होने लग जाता, बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी। फ्रेंड, जब हम कस्टर्ड में मैंगो प्यूरी मिलाएंगे तो उस वक्त पे आप चाहें तो गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिए और जो ये मैंगो प्यूरी है इसे कस्टर्ड के साथ पहले अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद गैस ऑन कीजिए और जो गैस की फ्लेम है उसे बिल्कुल लो कर लीजिए, या फिर आप सिर्फ गैस की फ्लेम को लो करके भी इसको मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो जब हम इसमें मैंगो प्यूरी मिलाएंगे तो दूध फट जाएगा, तो इसीलिए आप या तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या फिर ऑफ कर दें। और एक बार जब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद आप गैस ऑन कर सकते हैं या फिर गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। और ये हमने अच्छे से दोनों चीज़ों को, मैंगो प्यूरी और कस्टर्ड को आपस में मिला लिया है। बस एक बार इसमें बॉयल आ जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो इसे इसी तरीके से लगातार चलाते रहें जिससे कि बर्तन में चिपके नहीं। फ्रेंड्स, ये मैंगो कस्टर्ड आप बनाइए, बच्चों और बड़ों सभी को ये बहुत पसंद आता है, लेकिन खासकर बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, तो आप इसे बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हम इस वक्त बिल्कुल लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते भी रहेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो मैंगो कस्टर्ड है इसमें बॉयल आने लगा है। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे ही चला लेंगे और उसके बाद 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, तो उस वक्त पर भी आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, क्योंकि जब कस्टर्ड ठंडा होता है तो इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें मलाई लगने लगती है, हमें वो मलाई नहीं चाहिए। तो इसे आप बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहें और उसके बाद इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, जब तक ये रूम टेम्परेचर में नहीं आ जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कस्टर्ड है ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। इस बर्तन को हम कवर करेंगे, आप चाहें तो फॉइल से भी कवर कर सकते हैं।
और इसको लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जब तक कि ये अच्छा ठंडा नहीं हो जाता। तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, कस्टर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से सर्व कर सकते हैं। आप इसे सर्व करने के लिए इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप आम के छोटे छोटे कटे हुए पीस भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो, टूटी फ्रूटी, खासकर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो क्योंकि बच्चे को कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा मैंगो कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर क्लिक करना जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।